लालकुआ ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार के ऋषिकुल कॉलोनी में नाबालिग बच्ची के साथ हुए बलात्कार और उसकी हत्या के विरोध में प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों से पूरा देश कलंकित हुआ है। यहां बिंदुकता के शहीद स्मारक चौराहे पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के नेतृत्व में एकत्र दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन भी किया। इस मौके पर प्रमोद कॉलोनी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार में बढ़ रही रेप व महिला उत्पीड़न की घटनाएं एक गंभीर चिंता का विषय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जितनी जोर शोर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया जा रहा है, उसी गति से महिलाओं के प्रति अपराध भी बढ़ रहे हैं। आज स्थिति यह है कि भाजपा शासित प्रदेशों में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हरिद्वार में एक बच्ची की बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है और स्थानीय पुलिस ने अभी तक जो उसका मुख्य आरोपी है उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। आज प्रदेश की इस लचर कानून व्यवस्था को लेकर के बिंदुकत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर भाजपा सरकार का प्रदेश सरकार का यहाँ पर पुतला दहन किया गया और मांग की गई कि शीघ्र ही उन दोषियों को जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है उन्हें गिरफ्तार करके उनको फांसी की सजा दी जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तब से अपराधियों का ग्राफ बढ़ा हुआ है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय व्याप्त नहीं है। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चा सुरक्षित नहीं है और धर्मनगरी हरिद्वार जहां पर लाखों लोगों का आस्था के केंद्र है, उस धर्मनगरी में इस तरह की जो जघन्य हत्याएं और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, ये उत्तराखंड के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम मांग करते हैं कि शीघ्र ही उन दोषी हैं जो बच्ची के खिलाफ जिन्होंने इस तरह का जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है उन्हें शीघ्र फांसी की सजा दी जाए।